इस गणेश चतुर्थी पर आप घर के बने हुए मोदक का भोग लगाएं। हेल्दी साइड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे और सभी अपने घर पर बप्पा को लाने की तैयारी में लगे होंगे। तो बप्पा के इस बारी भोग लगाएं तो मावे के जो मोदक बनते हैं उनसे आप भोग लगा सकते हैं, क्योंकि मावे के जो मोदक होते हैं वो हम व्रत में भी खा सकते हैं। जैसे कई सदस्य होते हैं जिस दिन हम गणपति रखते हैं और उनकी पूजा और स्थापना करते हैं उस दिन हम जो है आटे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब जो भी अन्न की चीजें होती हैं उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये मोदक ऐसे होते हैं हम व्रत में भी खा सकते हैं और बप्पा को भी इनका भोग लगा सकते हैं। तो आज हम मावे के ही मोदक यहाँ पे बनाने वाले हैं और आपको बताएंगे कि किस प्रकार बनाए जाते हैं। मावे के मोदक बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, जैसे ये मेरे पास जो है ड्राई फ्रूट्स हैं, ये पिस्ता है, पिस्ते को मैंने एक पिस्ते से बीच से दो कर दिया है, और ये काजू है, काजू को भी मैंने बीच में से दो कर दिया है, साबुत काजू थे उसमें से दो कर दिए हैं, और बादाम भी मैंने दो हिस्सों में काट लिए हैं, ये देख लीजिए। और ये हमारे पास एक पिंच जो हरी इलायची होती है ना उसका पाउडर है, ये पाउडर हमने घर पे बना के लिया है। आप भी घर पे ही बना कर ले, अगर आप व्रत के लिए इसको इस्तेमाल करने वाले हैं तो सारी सामग्री घर की ले ले। और ये हमारे पास जो है, केसर को हमने चार पांच धागे लिए और उसको घोल कर रख दिया है, इसका इस्तेमाल हम मोदक बनने के बाद करेंगे। और ये हमारे पास मावा है जिसको कई सदस्य खोया भी बोलते हैं, तो ये भी हमारा मावा घर का बना हुआ है। और ये हमारे पास बूरा है, अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप शक्कर को पीस लें और उसका इस्तेमाल कर लें इसमें, नहीं तो ये बूरा घर पर बड़ी आसानी से बन जाता है, कई सदस्य इसको तगार भी बोलते हैं। तो आइए हम मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम मावा लेंगे और मावे को हम थोड़ा सा भून लेते हैं। हमने एक यहाँ पे छोटी कढ़ाई रख ली है और इसमें हम थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, क्योंकि देसी घी डालते हैं तो मावा नीचे ना चिपकता नहीं है, थोड़ा सा ही डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। ये देख ले, यहाँ पे हमने आधा चम्मच देसी घी ले लिया, ये इसमें डाल देंगे, इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं। घी गर्म हो चुका है, ज्यादा गर्म हमें नहीं करना, अगर ज्यादा गर्म करेंगे तो हमारे मोदक में घी की जो खुशबू आती है ना वो आएगी, वो हमें नहीं आने देनी है। तो हम ये मावे को लेंगे और इसको थोड़ा सा क्रम्बल कर लेंगे। ये देखिए जब हम फ्रिज में इसको रखते हैं तो थोड़ा सा ये कैड़ा हो जाता है, और अभी इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से, मेल्ट होने देंगे इसको। ये देखिए मावा मेल्ट हो रहा है, इसको हमें ज्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ये जो है मुलायम हो जाए। ये अभी बिल्कुल मुलायम हो चुका है, गैस बंद कर देते हैं, उसको गैस से उतार लेते हैं। और इस मावे को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि हमें ये ठंडा करना है। इसको थोड़ा सा फैला देंगे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए जल्दी, 5 मिनट में ठंडा होकर तैयार हो जाता है, तभी हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। इसको ठंडा होने के लिए इंतजार करेंगे इसका। जब तक मावा ठंडा हो रहा है तब तक हम जो हमारे पास ये बूरा है ये इसमें बाउल में डाल लेते हैं, और इसमें जो थोड़ी थोड़ी ये होती है ना, ये जो गुड़ी टाइप होती है ना, जो गांठे होती हैं, इनको हम थोड़ा सा फोड़ लेते हैं। आप छन्नी में भी छान सकते हैं या फिर मिक्सी में एक बार इसको डालकर घुमा सकते हैं कि ये पूरा एकदम से पाउडर टाइप हो जाए। तोड़ लेते हैं इसको अच्छे से, ये गांठे हमने अच्छे से तोड़ ली हैं। अभी हम इसमें मावा मिक्स करेंगे। मावा जो है इतना ठंडा होना चाहिए कि उसको हम आराम से हाथ से छू सकते हैं, गर्म नहीं होना चाहिए ज्यादा। इसको मिक्स कर लेते इसमें, और शक्कर भी आप यानी जो हमने बूरा डाला है इसमें उससे जितना मीठा आपको पसंद है उसी के अकॉर्डिंग डालें। अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो इसको सिर्फ खोया में बनाएं, खोया में आप ड्राई फ्रूट्स का जो पाउडर बना सकते हैं और वो मिक्स कर सकते हैं इसमें। इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं, ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अभी।
ये इस प्रकार का मटेरियल होना चाहिए। इसको बनाने के लिए ये हमारे पास सूखा जो हमने अलग से बोरा रखा हुआ है इसमें लगाने के लिए मोदक में, ताकि वो चिपके नहीं। चाहे तो आप इस पे बटर या फिर घी लगा सकते हैं, लेकिन कई सदस्यों को क्या होती है घी की खुशबू कम पसंद आती है ऊपर से, तो इसमें सूखा बोरा लगा सकते हैं। इसमें सूखा बोरा लगा लेंगे। अगर आपके पास ये मोदक का साचा अवेलेबल नहीं है तो आप इनको हाथ से भी बना सकते हैं। हाथ से बनाना भी इनको बहुत आसान है। मोदक के जो साचे होते हैं ना, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अभी इसको खोलेंगे और इसको बड़े प्यार से हम पीछे की साइड से निकाल लेंगे। ये देखिए, ये मोदक बनकर तैयार है। इसी प्रकार हम मोदक बनाकर तैयार करते हैं सभी। अभी हम एक मोदक हाथ से किस प्रकार बनाया जाता है, जैसे कई बार साचा नहीं होता है तो हमको मोदक हाथ से ही बनाना है, तो हाथ से हम इस प्रकार बनाएंगे। हम ये ले लेंगे, जितना भी बड़ा आपको मोदक बनाना है। और बीच में थोड़ी सी जगह बनाएंगे। इसमें हमें जो भी ड्राई फ्रूट्स रखने हैं वो रखेंगे। एक बादाम रख देते हैं हम, एक काजू रख देते हैं और एक पिस्ता रख देते हैं। अभी इसको एक शेप देते हुए मोदक के बंद करेंगे हम। जो एक मोदक की प्रॉपर शेप होती है ना, हाथ से बनाना भी इसको बहुत आसान है। कई सदस्य साचे का इस्तेमाल नहीं करते मोदक के। ये देखिए, चाहे तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसमें हम डिजाइन भी दे सकते हैं। तो डिजाइन हम दे सकते हैं, एक तो हमारे पास स्वेटर बुनने वाली सिलाई होती है उससे भी दे सकते हैं, नहीं तो एक ये स्टिक आती है जो हम मोस्टली खाने के चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे रोल बनाते हैं तो उसके लिए चाहिए होती है। तो ये वही स्टिक है हमारे पास। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको डिजाइन देने के लिए जो साचे वाला डिजाइन होता है इस प्रकार लगाएंगे और इसको अच्छे से प्रेस करेंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये निशान आ जाएगा मोदक का। इसी प्रकार हम दूसरी साइड भी करेंगे। पूरे मोदक पर हम यही डिजाइन बना देंगे। नहीं तो अगर आपके पास ये स्टिक भी नहीं है तो जो हमारे पास टूथपिक होती है, टूथपिक मोस्टली सभी के घर में होती है, तो टूथपिक को अच्छे से धो लें और उससे भी हम इसमें डिजाइन बना सकते हैं। ये देखिए, टूथपिक से थोड़ा सा लाइट रहता है तो उसको हमें थोड़ा सा ज्यादा प्रेस करना पड़ता है। ये देख लीजिए, अगर आपके पास ये स्टिक नहीं है तो आप टूथपिक से इसका डिजाइन बना दें। टूथपिक से इस पर पूरे निशान हमने बना दिए हैं, यानी जो मोदक के साचे के होते हैं प्रॉपर मोदक के बना दिए हैं। इस प्रकार आप हाथ से बनाकर भी इनको तैयार कर सकते हैं। तो सभी मोदक हम बनाकर तैयार करते हैं। ये देखिए, हमने सभी मोदक बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप मोदक आपको जितने बनाने हैं उसी के अकॉर्डिंग आप सामग्री तैयार करें। अगर आपको ज्यादा बनाने हैं तो ज्यादा सामग्री तैयार कर लें। अभी जो ये हमारे पास केसर है, तो केसर हमने इसके लिए रखा है, हम थोड़ा थोड़ा सा उठाएंगे, या तो कॉटन से ले लें या फिर अपनी फिंगर का ही इस्तेमाल कर लें और इस पे हम हल्का हल्का सा टिक करेंगे जगह जगह पे, तो ये केसर का जो है ऊपर से फ्लेवर इसमें आता चला जाएगा। हम जगह जगह पे करेंगे, सब पे नहीं करेंगे। मोदक हमने यहाँ पे केसर से गार्निश किए हैं। आप चाहें तो किसी ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना लें, जैसे पिस्ता का पाउडर बना सकते हैं, बादाम का पाउडर बना सकते हैं, उससे गार्निश कर सकते हैं। यहाँ पर कितने अच्छे मोदक बनकर तैयार हुए हैं। जैसे अभी हम आपको बता दें, ये हमने हाथ से मोदक बनाया है और ये हमने साचे से मोदक बनाए हैं, जो मोदक बनाने का साचा होता है। तो आप किसी भी प्रकार बना सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छे लगे। आप इसी प्रकार मावा मोदक बनाएं, बप्पा को भोग लगाएं
और अपने अनुभव हेल्दी साइड में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आपसे यही विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।